वैसे आज है मुझे फिलहाल थोड़ा देर हो गया है, मतलब मैं थोड़ा देर से उठा लेकिन मेरा 1 आवर डिले हो गया है। ऐसे मैं 9 बजे उठ करके जिम निकल जाता हूँ, बट आज टाइम हो रहा है अराउंड 10:10। मैं अभी जिम पे जा रहा हूँ तो मुझे जल्दी जल्दी एक्सरसाइज कम्प्लीट करनी होगी। 10:40 से पहले मुझे बैक आना पड़ेगा क्योंकि मुझे फिर से शेड्यूल है ना वो फिर ना बिगड़े, इसलिए क्योंकि मेरा जो शेड्यूल है वो पूरा शेड्यूल पर चलता है मेरा सब कुछ, कि लाइक इतने बजे ये होगा, इतने बजे ये होगा, इतने बजे ये होगा, तो वो मेरा 19:20 हो जाएगा ना, तो फिर मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मेरा जो जिम का शेड्यूल था मैं 10:40 तक कुछ भी करके जिम करके रिटर्न आ करके रूम पे जो मेरा नेक्स्ट काम होता था ना मैं वो करने लगता था। लेकिन आज क्या हुआ है कि मेरा 1 घंटा लेट से मैं उठा और पता नहीं यार मेरा अलार्म भी नहीं बजा आई थिंक, बट समझ में नहीं आ रहा कैसे मतलब इतना लेट हो गया। और रात में भी टाइम से सोया था मैं, लाइक 7 से 7.5 घंटे की नींद मैं पूरी लेता हूँ आराम से, लेकिन आज पता नहीं क्या हो गया अचानक से लगती क्या हुआ। अभी जल्दी जाएंगे एक्सरसाइज करेंगे और फिर वापस आकर के नेक्स्ट पूरा देखेंगे क्या करना है। अभी मैं जिस जिम में एंटर कर गया हूँ और मैं मुंह धुला और बाल ऐसे ही करके चला आया हूँ जल्दी जल्दी। मैंने एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली, अभी 10:45 हो गया है अराउंड, तो 11 बजे से पहले मुझे फ्रेश फ्रेश होकर के सेट होना पड़ेगा। उसके थोड़ा सा मुझे मेरा एक लाइव क्लास है आज, वो भी मुझे लेना है। और मार्केट तो ठीक ही चल रहा है, मार्केट थोड़ा नीचे आ गया है अभी, लेकिन 19,300 पर अप्रोक्स चल रहा है, ट्रेड कर रहा है मार्केट निफ्टी 50, पर ठीक है लाइक टाइम के हिसाब से वो ऊपर ही जाएगा, नीचे तो नहीं रुकेगा ज़्यादा टाइम के लिए क्योंकि ऑलरेडी वो 20,000 का हाई बना चुका है, तो फिर से वो जल्दी ही ऊपर जाएगा। और जब जाएगा तब जितने भी मिड कैप हैं और जितने स्मॉल कैप हैं जितने भी करेक्शन आए हैं वो सब जल्दी जल्दी ऊपर चले जाएंगे उसके साथ। सो देखते हैं अभी जो भी अपडेट होगा मैं बताऊंगा थोड़ा बहुत, लाइक मेरे ब्लॉग में मैं एकदम स्पेशली तो नहीं बनाता हूँ वो शेयर मार्केट का या फिटनेस का, बट जो भी मैं ब्लॉग में करता हूँ जो भी मैं जो चीज़ करता हूँ ना वही बना रहा हूँ। तो देखते हैं अभी, लेट्स सी। बस रूम पे पहुँच ही गया हूँ मैं, जल्दी जल्दी निकल रहा हूँ। तो अभी मैं रूम पे आ गया हूँ और मैं क्या हुआ जल्दी जल्दी मैं जो आपको जैसे बोला कि मैं जल्दी जल्दी उठाऊँ जल्दी जल्दी भागा जिम के लिए और जिम करके मुझे वापस आना था 10:50 करके, तो मैंने अपना बेड वगैरह भी ऐसे छोड़ दिया था। मैं दिखाता हूँ एक बार आपको, ये देखिए मैं पूरा ऐसे ही छोड़ के चला गया था, जस्ट उठा फ्रेश हो जल्दी से जल्दी चला गया, कुछ बेड वेड भी नहीं बनाया। पहला काम सबसे पहले बेड बनाऊंगा उसके बाद फिर फ्रेश होने जाऊंगा, ठीक है। हाथ धुल लिया मैंने, हाथ मेरे क्लीन है तो बेड टच कर सकता हूँ, बाकी बॉडी तो नहीं क्लीन है। तो सबसे पहले जाऊँगा नहाने बेड सेट करके मैं। सो अभी कुछ ऐसा दिख रहा है मेरा बेड सेट हो गया पूरा, सब जाता हूँ संतुष्ट होकर के मैं नहाने। सो हाय, मैं अभी रेडियो के आ चुका हूँ और जैसा कि मैंने आपको बोला था मेरा लाइव क्लास है, तो मैं लाइव क्लास अभी लेने जा रहा हूँ। लाइव क्लास लेने के बाद फिर थोड़ी देर मार्केट तो मैंने बता दिया आपको मार्केट का, मैं अभी कुछ इतना अच्छा ट्रेड नहीं बन रहा था तो मैंने मार्केट के लिए कुछ नहीं करा, बट अभी लाइव क्लास लेना है। लाइव क्लास लेने के बाद देखता हूँ कुछ खाने पीने का अगर जुगाड़ करूँगा तो लाइक कुछ बना लूँगा थोड़ा बहुत, उसका खा पी करके फिर ड्यूटी पर चला जाऊँगा। जो मेरा ब्लॉग है लाइक मैं पर डे ज़्यादा इसलिए नहीं बनाता हूँ क्योंकि जो मैं पर डे करता हूँ वो सेम चीज़ ही करता हूँ, तो वो चीज़ में क्या होगा ना आपको बोर लगने लगेगा कि लाइक ये बंदा तो सेम चीज़ करता है, तो उसमें कुछ इंटरेस्टिंग नहीं रहेगा। लाइक सुबह उठना फिर लाइक फ्रेश फ्रेश होना फिर लाइक वर्कआउट जाना सबसे पहला रहता है, वर्कआउट जाके आके फिर मार्केट वगैरह में देखना थोड़ा ट्रेड वगैरह लेना अगर मौका बन रहा है तो, अदरवाइज़ थोड़ा बहुत अपना क्लास वगैरह कर लेना, असाइनमेंट वगैरह कम्प्लीट कर देना, उसके बाद थोड़ा मूवी वगैरह देख लेता हूँ, उसके बाद फिर अपना रेडी होकर के शिफ्ट पे निकल जाता हूँ। मेरा जो शिफ्ट रहता है वो 9 आवर्स का रहता है, फिर वहाँ से रिटर्न आता हूँ 12 बजे, 12 बजे आके लाइक रात के 12 बज जाते हैं, तो आने के बाद फिर थोड़ा से बैठता हूँ इधर उधर अपना थोड़ा जो भी पेंडिंग काम होता है कुछ हल्का फुल्का कर लेता हूँ, फिर सो जाता हूँ अपना। फिर सुबह 9 बजे तो मुझे शार्प उठना है, 8:45 मुझे उठना ही उठना है, मतलब मैं 1 बजे तक सोता हूँ क्योंकि मेरा जो शिफ्ट रहता है वो 12 बजे ख़त्म होता है, तो मैं आगे 1:30 तक आराम से सो जाता हूँ। उसके बाद मैं सीधे 9 या 8:45 करके उठ जाता हूँ, मतलब 7 से 8 घंटा मेरा नींद हो जाता है, उसके बाद फिर सेम चीज़ करता हूँ। तो इसीलिए मैं ज़्यादा ब्लॉग वगैरह उस पर नहीं बनाता हूँ कि क्या बनाऊँगा, अगर कुछ इंटरेस्टिंग करने जा रहा हो या कुछ चेंज हो रहा है चीज़ों में तभी मैं बनाता हूँ। जैसे कि मंडे को मेरा ऑफ रहता है तो मंडे को मैं बाहर कहीं चला गया घूमने तो उसमें बना दिया, तो उसमें थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है कि लाइक लोग देखेंगे, वही चीज़ है, इसीलिए मैं ज़्यादा कुछ अभी नहीं डाल रहा हूँ। लेकिन हाँ लाइक अगर अभी मैं वापस अपना वैकेशन वगैरह पर जाता हूँ छुट्टी पर जाता हूँ तो मैं इंडिया जाऊँगा, तो इंडिया में मैं अब की ओर प्लान करूँगा। लाइक अभी मेरा प्लान बन रहा है कि मैं कुछ जगह को एक्सप्लोर करूँ, जैसे कि लाइक साउथ इंडिया, साउथ इंडिया मैं जा चुका हूँ, साउथ इंडिया में 6 मंथ रहा हूँ, 5 मंथ्स रहा हूँ मैं साउथ इंडिया में, बट लाइक एकदम नीचे नहीं गया, लाइक केरला साइड नहीं गया मैं, तमिलनाडु साइड नहीं गया मैं, आंध्रा में था, हैदराबाद में था, बट और नीचे नहीं गया। तो मेरा प्लान बन रहा है वो मे बी गोवा भी जा सकता हूँ या फिर नॉर्थ में कश्मीर साइड या शिमला साइड वो सब भी जा सकता हूँ, तो लाइक वो प्लान बना रहा हूँ, बजट भी देखना पड़ता है उसका,
सो उसके बाद, क्योंकि मैं जो करूँगा शायद सोलो ट्रिप ही करूँगा, क्योंकि मैं ज़्यादा लाइक कोई इतना है नहीं मेरे साथ कि जो मेरे साथ जाएगा या करेगा, तो मेरा सोलो ट्रिप ही होने वाला है। तो देखते हैं, लाइक अभी कुछ प्लान कर रहा हूँ, बट मैं लाइक बजट बनाना पड़ता है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पैसे, तो वो करना पड़ेगा, उसके लिए बजट करना पड़ेगा, उसके बाद जाएंगे। तो लेट्स सी अभी क्या होता है, अभी थोड़ा सा देखता हूँ, क्लास वगैरह कर लेता हूँ, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। तो अभी क्या कर रहा था कि मेरा कैरेट ख़त्म हो गया था, तो मुझे जूस पीना था, तो मैंने एप्पल और बीट रूट कट कर लिया है, और उसको थोड़ा सा इसमें डाल करके पूरा अच्छे से मिक्स करके पूरा जूस बना लेंगे। हाँ, तो वही जूस पी लूँगा, क्योंकि कैरेट नहीं है, और अभी बाहर जाने का मूड भी नहीं कि कैरेट लेने जाऊँ, या ऑर्डर करने का भी मूड नहीं है। देखते हैं, सच बोलूँ तो एक्चुअली मेरे पास अभी कैश नहीं है, कार्ड में पेमेंट है, और कार्ड से वो पेमेंट लेता नहीं है 1-2 रियाल, तो इसीलिए मैं अभी नहीं ऑर्डर कर रहा हूँ। शाम में देखता हूँ, अगर कब बाहर जाऊँगा एटीएम वगैरह, तो वहाँ पे जाके कार्ड से पैसे पेमेंट लाइक कैश निकाल लूँगा, तब मेरा हो जाएगा। अभी कैश मेरे पास है नहीं, इसलिए मैं ऑर्डर नहीं कर रहा हूँ। सो लेट्स सी। सो अभी मेरी लाइव क्लास कंप्लीट हो गई है, लाइव क्लास कंप्लीट होने के बाद 1-2 असाइनमेंट भी मैंने कर लिए अपने, और कंप्लीट करने के बाद लैपटॉप भी डिस्चार्ज हो गया मेरा। लाइक अभी थोड़ी थोड़ी देर पहले, लाइक जब मैं स्टार्ट किया था तब 20% था चार्जिंग उसमें, बट असाइनमेंट करते करते लास्ट का असाइनमेंट एक बचा था, वो भी करना था, बट डिस्चार्ज हो गया। तो उसके बाद मैंने क्या करा ना, फ़ोन में जल्दी से फ़ोन में लाइक ओपन करा अपना जो भी साइट था मेरा, वो साइट ओपन करके लॉगिन वगैरह करके फिर मैंने फ़ोन से कंप्लीट किया। बट फ़ोन से भी करने के बाद क्या हुआ कि 3 अटैम्प्ट होते हैं, तो 3 अटैम्प्ट में मेरा एक बार 48% आया, एक बार 47 आया, फिर लास्ट टाइम 63% आया। तो मैं फोर्थ टाइम जब अटैम्प्ट करने गया, तो उसमें दिखा रहा है कि लाइक अभी लाइक 7 आवर्स के बाद आप फिर से इसको रीटेक कर सकते हो, लाइक फिर से दे सकते हो। तो अभी मैंने छोड़ दिया उसको, मुझे 80% चाहिए होता है हर एक असाइनमेंट में, सो दैट मैं नेक्स्ट स्टेप में जा सकूँ, नेक्स्ट नेक्स्ट चैप्टर ओपन कर सकूँ, उसके लिए यह रहता है। सो अभी फ़िलहाल इतना ही था, हो गया इतना, अभी 1 घंटे बाद रेडी वगैरह होकर के ड्यूटी पे निकल जाऊँगा। और अभी मेरा एक प्लान बन रहा है, लाइक मैं आपको बता देता हूँ, मेरा एक प्लान बन रहा है न्यू फ़ोन लेने का, क्योंकि जो मेरा फ़ोन है वो मैंने लिया था 2021 में, 2021 के एंड में लिया था, जब मेरा फर्स्ट जॉब लगा था, और उस टाइम पे मेरा जो फ़ोन था उससे पहले वाला, वो अचानक से लाइक डेड हो गया, लाइक ओपन ही नहीं हो रहा था। तो मैंने ये फ़ोन लिया था जी, ये फ़ोन था, ये था रियलमी का C12, जो कि मुझे 6500 के अप्रॉक्स मिला था। तो वही फ़ोन मैं अभी तक चला रहा हूँ, बट ये फ़ोन अभी मुझे प्रॉब्लम कर रहा है। लाइक प्रॉब्लम क्या कर रहा है, कभी कभी ये हैंग हो जाता है, कभी कभी डेड हो जाता है, तो इसमें प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैं न्यू फ़ोन लेने के लिए प्लान कर रहा हूँ, और मैंने ऑलरेडी उसके लिए प्लान कर रखा है, लाइक बजट बना रखा है उसके लिए, मैं ऑलरेडी कहीं पर इन्वेस्ट कर रखा था, तो वो जब तक लाइक अच्छा रिटर्न दे देगा, तो वो मैं पैसों से फ़ोन के लिए लूँगा। लाइक मैं जो भी लाइबिलिटीज़ वगैरह लेता हूँ, जैसे कि फ़ोन हो गया या कुछ भी हो गया छोटी मोटी चीज़, वो मैं कैसे लेता हूँ, लाइक जैसे कि मेरे पास कुछ पैसा है तो मैं उसको मैं शेयर्स में डाल देता हूँ, कुछ टाइम के जब वो शेयर्स अच्छा परफॉर्म करते हैं, अच्छा ऊपर जाते हैं, तो वो शेयर का पैसा निकाल करके मैं उस चीज़ को खरीद लेता हूँ। इससे मेरा बेनिफिट होता है कि मेरे कम पैसे में, लाइक मैंने 5000 इन्वेस्ट किया तो 10000 निकला, 10000 का मैंने फ़ोन ले लिया। तो इस तरह से मैं प्लान किया था। अभी एक कंपनी मेरे पास नज़र में आई थी, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल, सो उस कंपनी की जो प्रमोटर होल्डिंग है वो टाइम के हिसाब से धीरे धीरे बढ़ रही है। लाइक कंपनी के ऑनर्स को कंपनी पर अच्छा रिटर्न देखने को मिल रहा है, और उसकी न्यूज़ में भी काफ़ी चर्चा हो रही थी, और कंपनी के भी फाइनेंशियल काफ़ी अच्छे हैं। तो मैंने कुछ टाइम पहले उसमें अपने 12000 की 13000 मैंने इन्वेस्ट कर रखे थे, तो वो जो पैसा मेरा अभी अप्रोक्स का लाइक 30% अबव चला गया, लाइक 30-40% का मुझे रिटर्न दे चुका है वो पैसा, तो थोड़ा और वो बढ़ेगा। उसके बाद मैं सबको बेच करके उस पैसों से मैं अपना एक फ़ोन लूँगा। तो मैं प्लान कर रहा हूँ कौन सा फ़ोन लूँ, मेरे नज़र में सैमसंग का फ़ोन है, सैमसंग A34 या A54। सो कमेंट करके बताइए कौन सा बेस्ट रहेगा फ़ोन लेने के लिए। आईफोन वगैरह मैं नहीं लूँगा, क्योंकि उतना मेरा बजट नहीं है, और आईफोन वगैरह लेने के लिए भी लाइक उसके साथ फिर उनको बहुत सारी चीज़ें लेनी पड़ती हैं आईफोन की, और मुझे उतना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है जस्ट फ़ोन में। सो इसलिए मैं सैमसंग का देख रहा हूँ, A54 या A34। सो कमेंट करके बताइए कौन सा बेटर रहेगा, और अगर कोई और सैमसंग अच्छा फ़ोन है तो उसको भी बताइए, तो दैट मैं लूँ, क्योंकि मैं प्लान कर रखा हूँ ऑलरेडी, और मुझे फीचर्स भी अच्छे लगे। मैं 2-3 बार मॉल में गया और चेक भी करा, कैमरा वगैरह सब कुछ अच्छा है, सो वो लूँगा। और ये फ़ोन जो था, इसका प्राइस था जब मैंने लिया था 2021 में, मेरी सैलरी आई थी उस टाइम पर, मैंने लिया था 6700 का। सो ये था रियलमी का C12, आप नेट पे चेक कर सकते हो, आई थिंक अभी बंद भी हो गया होगा, बट यही चला रहा हूँ मैं अभी यहाँ पे। दोहा कतर में आने के बाद इतना तब भी मैंने फ़ोन नहीं चेंज किया मेरा, अप्रोक्स यहाँ पे 1 साल हो गया। 1 साल तक मैं देख रहा था कि यहाँ पे जो भी लोग नया नया जॉब करने आया, सब लोग 1 मंथ में 2 मंथ में आईफोन ले रहा है, बट यार मेरा हो ही नहीं पा रहा। मैं सोच रहा हूँ कि सेम सैलरी है, सब कुछ सेम है, बट वो लोग ले रहा है, मैं क्यों नहीं ले रहा हूँ, यही मैं सोच रहा था। बट ठीक है, जो भी है फिलहाल अभी मैं प्लान कर रहा हूँ, तो अभी मैं लूँगा। सो कमेंट करके बताइए, और मैं जल्दी ही लेने वाला हूँ फ़ोन, बस थोड़ा से लाइक शेयर थोड़ा और ऊपर चला जाए तो थोड़ा अच्छा रिटर्न मिल जाए, तो सोचा मैं फ़ोन भी ले लूँ और कुछ छोटी मोटी चीज़ें भी ले लूँ अपने लिए। सो यही था आज के लिए, लोग यहीं तक रखते हैं, क्योंकि अभी जस्ट मुझे जाना है, फिर रेडी वेडी होकर के ड्यूटी पर निकलना है। सो उतना कुछ है नहीं अभी,
और दूसरी चीज़ जो फ़ोन का मैं प्लानिंग कर रहा हूँ उसके लिए प्लीज़ कमेंट करके बताइए कौन सा बेटर रहेगा, i34 या i54 कौन सा रहेगा। सैमसंग ही लेना है, आईफोन नहीं लेना है मुझे, क्योंकि आईफोन यहाँ पे वैसे कम है, लाइक 5000 का 3 रियाल का है। 5000 का 3 रियाल इंडियन करेंसी में होता है 1,10,000 अप्रॉक्स, बट फिर भी मुझे नहीं लेना यार। मेरे को इतना लाइक एक फ़ोन के लिए मुझे इतना पैसा इन्वेस्ट करना ठीक नहीं लग रहा है अभी के लिए, फ्यूचर में पता नहीं, बट अभी जिस हिसाब से लाइक मेरी अर्निंग से, जिस हिसाब से मैं लाइक अर्न करता हूँ, वो सब चीज़ मेरी लाइक दो तीन जगह से जो भी मेरी अर्निंग आती है वो सब भी मिला करके अगर मैं देखूँ तो मैं आईफोन का लाइक मेरा एक लाइक बेसिक रूल है कि अगर अपनी इनकम का तुम 50% में लाइबिलिटीज़ ले रहे हो देन ओके है, अगर तुम अपना पूरा इनकम का 100% किसी लाइबिलिटीज़ में लगा रहे हो, किसी लाइबिलिटी में लगा रहे हो तो यार वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, थोड़ा लाइक मुश्किल हो जाता है यार अपने लिए। लेकिन वो चीज़ देख के ही चलना पड़ता है, लेकिन जो फिनेंशियल प्लानिंग होती है उनको भी देखना पड़ता है, घर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो वो सब भी देखना पड़ता है। बट लेट्स सी, मैं सैमसंग में ही जाऊँगा, वो भी यहाँ पर इंडियन करेंसी में, लाइक काफ़ी इंडिया में तो काफ़ी महंगा है वो फ़ोन, बट यहाँ पर मुझे 1000 रियाल तक, 1100 रियाल तक मिल जाएगा, तो वही प्लान करा है मैंने। लेट्स सी, 1100 का एक है, एक 1200 का है, लाइक वो जो उसका GB वगैरह होता है, एक 256 GB में और एक 128 GB में। तो जो लाइक मैं तो 256 ही लूँगा क्योंकि मुझे यूट्यूब वगैरह के लिए भी लगेगा, क्योंकि मैं वीडियो वगैरह बना रहा हूँ अभी तो मुझे अच्छा लग रहा है, तो उसके लिए भी मेरा लाइक हो जाएगा और एक मेरा एक पर्सनल हो जाएगा, क्योंकि लाइक मेरे 2 साल हो गए, 2 साल से फ़ोन भी नहीं चेंज किया, और जो ये फ़ोन है ये फ़ोन कभी कभी डेड हो जाता है, कभी बैटरी ड्रेन हो जाता है, सो देखते हैं। और अभी तक तो फिलहाल यही चला रहा हूँ, 6,500 रुपये का फ़ोन लिया था मैंने 2021 में, वही चला रहा हूँ, बट उसके बाद देखते हैं कौन सा लेना है। वही सैमसंग ही मेरे दिमाग में है, बट एक बार जा करके मैं फिर भी देखूंगा, और जो भी आप लोग कमेंट करोगे तो उससे मुझे थोड़ा आइडिया मिलेगा कौन सा बेटर रहेगा, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो टेक सेवी होते हैं, सो उनको भी ज़्यादा आइडिया रहता है। लेट्स सी, आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, एंड कुछ अच्छे अपडेट्स आने वाले होंगे तो मैं ज़रूर इसमें बताऊँगा आपको, और थोड़ा बहुत मैं रील्स वगैरह डालता हूँ फिटनेस की, जो भी मैं जिम पर जाता हूँ, तो वो भी थोड़ा देखिए, शेयर करिए, सो दैट मुझे थोड़ा सपोर्ट मिले। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।